रायबरेली जिला अस्पताल में स्थापित दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में खामियां मिलने पर जिलाधिकारी ने फटकार लगाई है। कर्मियों के लिए जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी को नोटिस भी जारी किए गए हैं। दिव्यांगों के प्रति योगी सरकार की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन इस केंद्र को लेकर गंभीर है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव को इसके संचालन में की जा रही लापरवाही की जानकारी मिली थी। माला श्रीवास्तव ने स्थलीय निरीक्षण के उद्देश्य से यहाँ का औचक निरीक्षण किया तो कई कमियां मिली। उन्होंने कहा कि दिव्यांग जनों की सेवा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केंद्र जो चलाया जा रहा है जिले स्तर पर, उसका निरीक्षण किया है और ये निरीक्षण पूर्व निर्धारित समय के अनुसार किया गया और जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी को पर्याप्त समय दिया गया था कि वहाँ की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने और अगर कोई दिक्कतें हों तो संज्ञान में लें। तो इसके बावजूद मौके पर निरीक्षण करने पर कमियां प्रदर्शित हुई हैं, जिसके संबंध में हमने निर्देश दिए हैं सुधार के लिए और दिव्यांग कल्याण अधिकारी को आगे के लिए हम लोग नोटिस भी जारी कर रहे हैं। अगर उनका संतोषजनक जवाब नहीं प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई भी करेंगे और ये पूरी प्रयास रहेगा कि अच्छी व्यवस्था वहाँ पर सुदृढ़ करते हुए जो वहाँ पे मरीज़ आने वाले हैं और जो जो सेवाएं सरकार की तरफ से निर्धारित हैं वो लोगों को मिलती रहेंगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।